हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की हमारी रेसिपी है एकदम हेल्दी टिफिन रेसिपी या फिर स्नैक्स रेसिपी। तो हम बनाएंगे कॉर्न और स्पिनच पैटी, या फिर आप इसको कबाब भी बोल सकते हैं। बहुत डिलीशियस रेसिपी है, जस्ट बना के और फ्रीजर में रख दीजिए। कभी भी बच्चे को पैक करके देना है तो बस निकालिए, सेकिए और दे दीजिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस बनता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसन रोस्ट करेंगे। तो मैंने ये आधा कप बेसन का लिया है। अभी के लिए मैंने आधा कप लिया है क्योंकि बाद में हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना चाहिए होगा उतना हम यूज़ कर लेंगे, बाकी बच जाएगा। कम नहीं रहना चाहिए इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा। और बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। इसमें हल्की सी एक खुशबू आने लग जाए, मतलब कच्चापन निकल जाए, सिर्फ उतना पकाना है। अभी आपको दिख रहा होगा इसका कलर चेंज हो चुका है। मैं इसको फटाफट से एक बर्तन में निकाल लेती हूँ और सेम पैन में अब हम डालेंगे घी। और 1 चम्मच मैंने घी लिया, बहुत ज़्यादा ऑयली या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हमें इसको नहीं करना है। तो घी में मैं डालूंगी अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने थोड़ा सा दरदरा कूटा है, आप चाहे तो फाइन पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हरी मिर्च जार के नीचे आती हुई नहीं पसंद है तो आप फाइन पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसको लो फ्लेम पर ही थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें पालक डाल देंगे। अदरक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, अदरवाइज वो फिर कड़वी हो जाती है। उसके बाद पालक को हल्का सा पकाएंगे जब तक कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हमें कच्ची नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा हमें ओवर कुक इसको नहीं करना है, इसका बिल्कुल मॉइस्चर ख़त्म नहीं करना है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा श्रिंक हो गई है पालक और कलर भी चेंज हो चुका है। बस इतना ही पकाना है हमें, इसे बिल्कुल मैशी नहीं करना है। हल्का सा रॉनेस जो कच्चापन है वो निकल जाए, सिर्फ इतना। अभी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसके अंदर ही अपने सारे इन्ग्रीडियंट्स मिक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगी आलू। मैंने 2 मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आलू डाले हैं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट आलू से बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है तो ज़रूरी होता है। उसके बाद थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1.5 कप कॉर्न का मैंने डाला है, उसको स्वीट कॉर्न जो हमारा भुट्टा आता है उसको 3 से 4 मिनट नमक डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के बॉईल कर लिया। और उसके बाद इसको मिक्सी में कुछ सेकेंड्स चला लिया। अभी इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो भुट्टे को बहुत ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, वो हार्ड हो जाएगा। दूसरा, उसको पेस्ट नहीं बनाना है, भुट्टे के पीसेस रहने चाहिए। उसके बाद इसमें डाल देते हैं मसाला। तो थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, नमक और लाल मिर्च, बिल्कुल बेसिक मसाले रखने हैं। आप अगर उसी टाइम बना के खा रहे हैं तो आप इसमें प्याज काट के डाल सकते हैं, लेकिन टिफ़िन वगैरह के लिए अगर रख रहे हैं तो प्याज, कच्चे प्याज डालना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि फिर उसमें स्मेल हो जाती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी आपको दिख रहा है कि ये बहुत बिखरा बिखरा सा है, इसमें बाइंडिंग नहीं है। तो सिर्फ बाइंडिंग के लिए हमने बेसन रोस्ट किया था। अभी के लिए मैं इसमें 2 चम्मच डालती हूँ। हम चेक करेंगे कि अच्छे से बाइंड होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो थोड़ा सा बेसन और ऐड कर लेंगे। तो एक बार इसको मिक्स करके देख लेते हैं, फिर हम बेसन और ऐड कर लेंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो। अगर आपको लग रहा है कि हमारा इसी से मिक्स हो जा रहा है अच्छे से, हमें बेसन की ज़रूरत नहीं है, तो आप बेसन स्किप कर सकते हैं। और अगर लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है, आलू ज़्यादा पक गए थे या कॉर्न का आपने पेस्ट बना दिया है, तो आप इसमें बेसन एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, इसलिए हमने एक्स्ट्रा भूना था। तो मैंने अभी 1 चम्मच और डाल दिया, टोटल 3 टेबल स्पून बड़े वाले चम्मच जो होते हैं हमारे, वो डाल दिया। और उससे ये अच्छे से बाइंड होता, आपको दिख रहा है डो जैसा बन रहा है, तो हमें और एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपके आलू ओवर कुक हो गए थे, पतले थे, और अभी आपको चाहिए, वरना वो बहुत चिपचिपा बैटर आपका डो बनेगा, तो आप इसमें एक्स्ट्रा बेसन डाल सकते हैं ताकि थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाए। अगर बेसन नहीं है तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बाइंडिंग उससे भी आ जाएगी। तो अब इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया और इसको ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसकी पैटी बनाएंगे। थोड़ा सा, क्योंकि हमने तड़का लगाया था तो हल्का सा गर्म है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ठंडा होने के बाद बस हाथों को तेल से ग्रीस कर लीजिए ताकि ये हाथों पे चिपके नहीं। और इसकी जो हमारे कबाब का साइज़ होता है उतने साइज़ की हम बॉल बना के और पैटी बना लेंगे। आप चाहें तो सिलिंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लेक्स को पीस के और उसमें हल्का सा कोट कर लिया, तो ऊपर एक थोड़ी सी अच्छी सी क्रिस्पीनेस आ जाती है, अच्छा सा एक टेक्स्चर अच्छा आ जाता है। तो उसके लिए तो हम बस इसको हल्का सा ऐसे कोट करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर हमारे कॉर्नफ्लेक्स लग जाएँ। तो ये सारी पैटीज़ रेडी हैं। इसको आप अगर आधा घंटा रख सकते हैं तो रख लीजिए, अदरवाइज 10 से 15 मिनट मिनिमम रख दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे से शेप पकड़ लेते हैं। उसके बाद जब आप इसको शैलो फ्राई करेंगे ना तो ये टूटेंगे ही नहीं, वरना क्या होता है इनको जब आप फ्राई करेंगे पलटते टाइम बिल्कुल बिखर जाते हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल हल्का सा तेल लेंगे, तवे को अच्छे से बस चिकना कर लीजिए, हमें बहुत ज़्यादा इनको ऑयली या अनहेल्दी नहीं बनाना है। तो उसके बाद तवे पे वो तेल जैसे हमारा गर्म हो जाएगा, हल्की सी धुआं सी आने लगेगी, अपनी पैटीज प्लेस करेंगे 30 मिनट के रेस्ट के बाद। और उसके बाद अब इनको फ्लिप करते हुए बस अच्छे से पका लेंगे।
ये देखिए अच्छा सा एक गोल्डन सा कलर आ गया, थोड़ा सा ब्राउनिश सा, बस उतना हमें पकाना है, क्रिस्प करना है, क्योंकि अंदर हमने जो भी चीजें डाली हैं सारी पकी हुई हैं, आलू पका हुआ है, कॉर्न, पालक, सारी चीजें अच्छे से कुक्ड हैं, तो हमें इसको अंदर से पकाने की जरूरत नहीं है, हमें ये बस बाहर से क्रिस्पी करने हैं और थोड़े से गर्म जो है बस उतना करना है, बहुत ज्यादा नहीं कुक करना। तो ये देखिए पैटी हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है और रेडी हो चुकी है और बहुत ही डिलीशियस होती है। आप जैसे हमने कॉर्नफ्लेक्स से कोट करने के बाद फ्रीजर में रखा था, आप इसको जिपलॉक बैग में, डीप फ्रीजर में रख दीजिए, जिपलॉक बैग में पैक करके, और जब भी आपको बच्चे को देना हो टिफिन में निकाल के और सेक के दे सकते हैं। 2 मिनट लगती है सेकने में और टिफिन की बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेक आउट माई इंस्टाग्राम पेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सी यू गाइस सुपर सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।